नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज, नजर हर खबर पर। पीछे आओ, पीछे आपकी मतलब करना पड़ेगा ना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और फिर वो जो ये मथुरा वृंदावन का जो टूरिस्ट गाइड में डलवाना पड़ेगा। हाँ, वही क्यों नहीं। सर बताएं, अभी आपने जवारबाग का निरीक्षण किया, कब तक ये मथुरा की पब्लिक को अपने घूमने फिरने के लिए मिल पाएगा? बहुत जल्दी है इसमें, क्योंकि लगातार जब विजिट होती है तो कुछ नई चीज़ें भी निकल कर आती हैं। तो अभी जैसे 7.5 किलोमीटर का एक जॉगिंग ट्रैक है, तो उसके पैरेलल भी एक कच्चा ट्रैक भी हम लोग बनवाना चाह रहे हैं। दूसरे इसमें अलग अलग पॉकेट्स हैं, वहाँ भी प्लांटेशन का काम भी अभी होना है। इसको भव्य रूप देने के लिए अभी थोड़ा और समय इसमें लगेगा, लेकिन मथुरा पूरे ज़िले के लिए एक तरीके से एक गिफ्ट है, ये तोहफा है, ख़ासतौर से मथुरा शहर के लिए, कि आप सुबह आइए और एक पिकनिक स्पॉट की तरह ये डेवलप होगा। चिल्ड्रन पार्क भी यहाँ है, योगा के लिए स्थान भी है, और लगभग सभी वैरायटी के यहाँ वृक्ष भी हैं, और जो जो कमियाँ हैं उसको भी हम लोग यहाँ पूरी कर रहे हैं। तो मथुरा के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा, एक गिफ्ट ये रहेगा, और एक उसको हम आदर्श के रूप में डेवलप भी कर रहे हैं।